हो चुका आगाज रणका अब युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रणका अब युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको बताए कि RRB ALP और टेक्नीशियन का जो रण है उसका आगाज हमने कर दिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना है और इस संघर्ष, देखिए, जो संघर्ष करेगा जीत उसी की होगी, इतना तो पक्का है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको आगे चल के कितना कंपटीशन देखना है, तो ये समझ लीजिए अगर जो आज तैयारी नहीं कर रहा है तो वो कंपटीशन के दौर से तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं तो ही समझिए आपका सिलेक्शन की गारंटी है, वरना कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो पूरी मेहनत और कड़ी ईमानदारी के साथ लगे रहिए अपनी तैयारी में, संघर्ष में लगे रहिए, एक ना एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमने RRB ALP टेक्नीशियन के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और मैंने आपको भरोसा दिलाया है कि मैं आपको RRB ALP और टेक्नीशियन बना के रखूँगा। चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, चाहे दिन रात आपके लिए क्लासेस चलानी पड़े, आप बस पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हमसे जुड़े रहिए। ठीक है ना, आपको 100% श्योर गारंटी देता हूँ मैं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बट कब? जब आप पूरी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ हमारी क्लासेस लोगे और हमसे लगातार जुड़े रहोगे। देखिए, आपको 10 यूट्यूबर के चक्कर में नहीं भागना है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मुझसे अच्छा जो पढ़ा रहा हो आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। बट वहाँ रेगुलर पढ़िए आप, ये नहीं कि आप एक दिन वहाँ पढ़ाए दूसरे दिन वहाँ पढ़ाए। जिससे आपको पढ़ना है आप एक को फोकस कर लीजिए और उन्हीं को गुरु मान के आप अपनी आगे की जर्नियों से तैयार कीजिए, ठीक है। तो अगर आप हमसे ALP और टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए जुड़ गए हैं फ्रेंड्स, तो ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप मेरे जैसे जैसे मैं बोलूँगा उस तरीके से चलोगे, हमारी रेगुलर क्लासेस लोगे, तो मैं आपको 101% टेक्नीशियन बना के छोड़ूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि हमने इंजीनियर ड्राइंग, जो RRB ALP टेक्नीशियन में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, उसकी क्लासेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 4 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक, आप मान लो पहली बार आए हो इस चैनल पर, आपने अभी तक जो इंजीनियर ड्राइंग है उसकी 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर जाके देखिए। उन सब की प्लेलिस्ट है, इंजीनियर ड्राइंग की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी आपकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन 4 क्लासेस को लेना। आप 4 क्लास लेने के बाद तब आप मुझसे कमेंट करना कि आपको कुछ उसमें सीखने को मिला कि नहीं मिला। पूरी ईमानदारी कड़ी मेहनत के साथ आपके लिए डाटा कलेक्ट करके मैं यहाँ पर आपके बीच आ रहा हूँ फ्रेंड्स। एक भी क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं होगी कि वो इससे बाहर निकल जाए आपका। तो इंजीनियर ड्राइंग की आज की जो क्लास है हमारी, क्लास नंबर 5 है और इसमें हम एक और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं इंजीनियर ड्राइंग का, जिसका नाम है ड्राइंग शीट। आज हम सारा का सारा पढ़ेंगे ड्राइंग शीट के बारे में। ड्राइंग शीट से भी ये समझ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जितने भी 4 क्लासेस में हम जो टॉपिक लेते आ रहे हैं वो सारे टॉपिक पहले हमने इम्पोर्टेंट उठाए हैं यूनिट फर्स्ट से, ठीक है ना, जिससे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ही दिमाग में सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग शीट के बारे में। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि ड्राइंग शीट आखिर होती क्या है, ठीक है ना, और ड्राइंग शीट का इंजीनियर ड्राइंग में क्या यूज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सा परिभाषा है ड्राइंग शीट की कि ड्राइंग बनाने के लिए हमें जिस शीट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम बोलते हैं ड्राइंग शीट, ठीक है ना। यानी जिस कागज़ पर या जिस शीट पर हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं वो हमारी होती है ड्राइंग शीट, ठीक है। जैसे आपने मान लो A4 साइज पेपर देखा होगा, ठीक है, एकदम कैसा होता है, वाइट होता है, उस पर आप अपनी ड्राइंग बनाते हो तो वो आपके लिए क्या बन गया, ड्राइंग शीट बन गया, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ड्राइंग शीट वो पेपर होता है जिस पर हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। और अगर आपसे यूज़ पूछा जाए तो ड्राइंग शीट का यूज़ होता है ड्राइंग बनाने में, ठीक है ना। जब हम अपनी कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उसका जो यूज़ होता है वो हम ड्राइंग शीट का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इंजीनियर ड्राइंग में क्या यूज़ है कि इंजीनियर ड्राइंग में हमें कोई ड्राइंग बनानी है, ठीक है, किसी का मान लो मैप बनाना है या फिर कोई हमें जॉब दे रखी है उसका हमें स्केच बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हम किस पर बनाएंगे, ड्राइंग शीट पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका यूज़ कि ड्राइंग शीट होती क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ड्राइंग शीट से, इस टॉपिक से ये समझ लीजिए 99% की मैं गारंटी ले रहा हूँ, 99% जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। कि जो आपका BIS है, मैंने आपको पहले समझाया था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इंजीनियर ड्राइंग में जितनी भी सीट होती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो डायमेंशन होती है उसको डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, BIS, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग
BIS ने अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट के कुछ साइज डिसाइड किए हैं फ्रेंड, ठीक है ना, और उन साइज के हिसाब से उन ड्राइंग शीट का नाम रखा है। तो यहाँ से ड्राइंग शीट का नाम देके आपसे वो साइज पूछेगा, कैसे भी करके आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो ड्राइंग शीट का साइज होता है फ्रेंड्स और उनके टाइप होते हैं, वहां से 99% आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग शीट के साइज को अच्छे से समझना है। देखिए ये हमारा टाइप है, ये आपकी जो नीचे आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी ड्राइंग शीट के क्या है, टाइप है। A0, A1, A2, A3, A4, ऐसे A5 भी होता है, A6 भी होता है, ठीक है ना, बट हमारे लिए A4 तक बहुत काफी होगा, ठीक है। उसके बाद ये इधर साइड इनका साइज दे रखा है और ये साइज सारा का सारा किस में है फ्रेंड, MM में, ठीक है। ड्राइंग शीट में हम जितना भी साइज पढ़ते हैं, इंजीनियर ड्राइंग में जितना भी साइज पढ़ेंगे वो सारा का सारा MM में होगा, ठीक है। तो किस तरीके से समझना है, देखो A0 है, A0 ड्राइंग शीट होगी उसका, ये याद रखना है ये पहली जो है यहाँ ब्रीथ है और ये दूसरी क्या है लेंथ। यहाँ मैंने उल्टा लिख रखा है, उल्टा इसलिए लिखा है जिससे आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि उल्टे लिखने पर यहाँ पर ट्रिक बनेगी जिससे आप इजीली इन सब का साइज याद कर लोगे, ठीक है। तो ये होती है ब्रीथ और ये होती है लेंथ। तो A0 की लेंथ कितनी है 1189, ब्रीथ कितनी है 841। ऐसे ही A1 है, A1 की लेंथ कितनी हो जाएगी 841, ब्रीथ कितनी हो जाएगी 594। ऐसे ही A2 होता है, इसकी लेंथ हो जाती है 594, ब्रीथ हो जाती है 420। ऐसे A3 होता है, लेंथ 420, ब्रीथ 297। ऐसे A4 होता है, लेंथ 297 और ब्रीथ कितनी होती है 210। इसको तो आप जानते हो, A4 साइज का पेपर तो आपने बहुत देखा होगा, आप फोटोकॉपी कराने जाते हो, प्रिंट निकलवाते हो, वो पेपर कौन सा होता है A4। आपने A4 तो बहुत बार लिया होगा, बट मेरे हिसाब से आप पहली बार A4 का जो साइज है वो देख रहे हो गए। A4 पेपर का जो साइज होता है ना फ्रेंड, उसकी लेंथ होती है 297 mm और ब्रीथ होती है 210 mm। किसके अकॉर्डिंग, BIS के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग A4 साइज की जो लेंथ और ब्रीथ होगी वो ये होगी आपकी, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, उसके बाद अब जो क्वेश्चन होता है, अब जैसे ये इतने साइज है, अब A5 का A6 का ऐसे कैसे हम निकालेंगे और इनको कैसे याद करेंगे, मैं उसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसे आप दिमाग में बैठा लेना, आप इजीली इनको याद कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले जो A0 है इसका तो आपको याद करना पड़ेगा, A0 का लेंथ इंटू ब्रीथ कितना होगा 1189 इंटू 841, 841 इंटू 1189, ठीक है। आप दो तीन बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। A0 का साइज कितना है 841 इंटू 1189, ठीक है। अब हमें मान लो A1 का निकालना है, हमें A0 का पता है, उसके नीचे क्या आएगा A1 आएगा, ठीक है। हमें A1 का निकालना है फ्रेंड, तो A1 का जो होगा, तो A1 का कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखो। जो इसकी ब्रीथ होती है, यानी कि हमें इसका निकालना है A1 का, तो A0 की जो ब्रीथ होगी वो फ्रेंड अगले वाले की बन जाएगी लेंथ, ठीक है ना। या तो ऐसे याद रख लो कि जो आपका नीचे वाला होगा उसकी जो लेंथ होगी वो ऊपर वाले की क्या होती है, ब्रीथ होती है, ठीक है ना। या तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो आप ये देखो कि जो आगे लिखा है वो नीचे वाले में पीछे पहुंच रहा है। देखो यहाँ 594 आगे लिखा था, इसके पीछे पहुंच गया। यहाँ 420 आगे लिखा था, नीचे वाले में पीछे पहुंच गया। यहाँ 297 आगे लिखा था, ये इसके पीछे पहुंच गया, ठीक है। तो आप सिंपल सा ये याद रख लो कि जो आगे लिखा होगा ऊपर वाले में, नीचे वाले साइज में वो उसके पीछे पहुंच जाता है। या फिर ऐसे याद कर लो कि जो ऊपर वाले की जो ब्रीथ होगी वो नीचे वाले की लेंथ बनेगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपने याद कर ली, अब कि ये वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो इनको भी देखो। अगर आपको ये याद है 1189, तो आप इन सब की वैल्यू निकाल लो कैसे। देखो 1189 को अगर आप ध्यान से देखोगे, 1189 का अगर आप हाफ कर दो, जैसे देखो 1189 हाफ करने का मतलब आधा कर दो, दो से डिवाइड लगा दो, तो लगाओ डिवाइड, 2 5 10 18, 2 9 18 पूरा कट गया, 9 बचा, 2 4 8, ठीक है ना। और अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो बट हमें पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, पॉइंट नहीं लेना है, पॉइंट से पहले की वैल्यू लेनी है। तो पॉइंट से पहले कितना आ रहा है 594, तो फ्रेंड्स वही हमारा क्या बन गया, यहाँ पर ब्रीथ बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो, कि ये तो एग्जैक्ट कॉपी करके यहाँ आ जाएगा और इसका आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसका आपको करना है हाफ, ठीक है ना। इसका हाफ करके नीचे लिखना है, ठीक है। सब में यही आपकी सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। यानी कि जो हमें ऐसे लिखना है, जो हमें ऐसे लेके आना है ना, वो होगा सेम, और जो हमें ऐसे करके पहुंचाना है उसका हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है। ये आप कहीं शॉर्ट में बना लीजिए जिससे आपको याद रखे कि ऐसे अगर आप कोई लेंथ या ब्रीथ लिखोगे तो वो कैसी रहेगी, सेम, और ऐसे लिखोगे तो आपको आधी करके लिखनी है। जैसे यहाँ पे देखो 8 47 का 8 47 हमने सेम लिख दिया, और 1189 का आधा कितना होता है,
594 वो लिख दिया और ये साइज बन गया A1 का, ठीक है ना। A1 ड्राइंग शीट होती है, उसका साइज कितना होता है 594841। अब ऐसे ही वो मान लो आपसे पूछे कि A2 का बताओ कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, A1 का कितना होता है 841, तो ये जो 841 है इसका आधा कितना हो जाएगा 420। देखो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 1 तो डिवाइड होगा नहीं तो 0 आ जाएगा, तो 841 का आधा कितना हो गया 420। ऐसे देखो 594 सेम आ गया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट 420 का 420 यहाँ आ गया और 594 का हमने हाफ करके लिख दिया 297। ऐसे आप यहाँ पे देखो 297 का 297 लिख दिया और 420 का हाफ करके लिख दिया 210। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस तरीके से हम किसी भी जो ड्राइंग शीट है उसका हम जो लेंथ है और ब्रीथ है वो आसानी से इसमें फ्रेंड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन एक बार पेपर में ये पूछ लिया, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि A4 तक क्वेश्चन आता है बाई चांस, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन वो ये पूछता था कि A0 की लेंथ कितनी होती है, ब्रीथ कितनी होती है, ठीक है। बट एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा गया है कि A5 का साइज कितना होगा, ठीक है ना, कि A5 का जो साइज होता है ड्रंक शीट का वो बताइए, ठीक है। तो A5 इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाएगा, जिसको ये वाला पता होगा A0 का साइज पता होगा, ठीक है ना, या फिर A4 का साइज पता होगा वो तुरंत कर लेगा। कैसे? वही जो तरीका है, ये तरीका जो मैंने आपको बताया वही तरीका लगाना है। ये 210 को तो आप यहाँ पे सेम लिख दो 210, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और ये 297 है इसको हाफ करके यहाँ लिख दो, तो 2 1 2 2 4 8 2 8 16 इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। तो फ्रेंड ये हो गया साइज किसका, A5 का। A5 का जो ड्राइंग शीट होगी उसका साइज क्या होगा 148 × 210। इस तरीके से हम किसी भी ड्राइंग शीट का साइज आसानी से इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग शीट से मेनली मैंने आपको बताया 99% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, घुमा घुमा के देखिए, आपसे पूछेगा कि A0 ड्राइंग शीट की लेंथ ऑफ ब्रीथ कितनी होती है, या A4 की जो ड्राइंग शीट होती है उसकी लेंथ ऑफ ब्रीथ कितनी होती है, एक तो ऐसे सीधा पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछेगा कि जो A2 होता है ड्राइंग शीट उसकी लेंथ कितनी होती है, यानी सिर्फ लेंथ पूछेगा, जरूरी नहीं है ब्रीथ पूछे, या A3 होता है उसकी ब्रीथ कितनी होती है। तो इस तरीके से 99% चांस है वो आपका यहीं से क्वेश्चन पूछता है ड्राइंग शीट में, ठीक है ना। तो ये था ड्राइंग शीट का जो साइज, ठीक है। ऐसे आप A6 का निकालना चाहो A6 निकाल लोगे, A7 निकाल लोगे, ठीक है, बट आपको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, A4 तक याद रखो, बाकी तरीका समझ लो, जो भी आपका पेपर में पूछा जाए आप उसको ईजिली निकाल लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट के बारे में। हमने ड्राइंग शीट के टाइप समझ लिए, ड्राइंग शीट का यूज़ क्या होता है ये समझ लिया, अब हम समझने जा रहे हैं लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, कि ड्राइंग शीट का लेआउट कैसे होता है, कि जब हमारे हाथ में ड्राइंग शीट आती है तो हम कैसे उसको तैयार करते हैं और फिर उस पर हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक ड्राइंग शीट है, ठीक है ना, मैंने पहले से बना के रखी है, लेआउट इसका तैयार है, ठीक है। अब जब भी हमारे पास ड्राइंग शीट आती है तो ड्राइंग शीट को हम किस पर रखेंगे, मैंने पहली जो वीडियो थी वो हमारा ड्राइंग बोर्ड था, ठीक है, और ड्राइंग बोर्ड में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग बोर्ड का काम क्या होता है, कि उस पर हम ड्राइंग शीट रखकर अपना जो आर्ट है उसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी ये ड्राइंग शीट हमारे पास आएगी तो हम इसे किस पर रखेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर, और ड्राइंग बोर्ड पर रखने के बाद सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, पिन, चारों कोनों पर फ्रेंड 4 पिन लगाते हैं, जिससे ये ड्राइंग बोर्ड पर हिले ना या फिर कागज उड़े ना, ठीक है ना, इसलिए हम 4 क्या लगा देते हैं इसमें पिन, और ये ड्राइंग जो शीट है वो ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो लेआउट है लेआउट से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइनिंग से, ठीक है। जब भी हम लाइनिंग करेंगे फ्रेंड्स तो आपको याद रखना है कि टॉप से, जब भी आप लाइनिंग करोगे तो टॉप से कितना गैप छोड़ना है आपको, तो टॉप से 15 mm का गैप छोड़ना है, ठीक है ना, तब आप लाइन खींचोगे। ऐसे ही आपको बॉटम से कितने का गैप छोड़ना है, बॉटम से भी आपको याद रखना है 15 mm का गैप छोड़ना है, ठीक है। ऊपर से भी 15 mm का गैप छोड़ के लाइन खींचनी है, नीचे से भी 15 mm का गैप छोड़कर लाइन खींचनी है। ऐसे ही आपको जो ये वाला राइट साइड होता है, ऐसे ही राइट से भी आपको कितने mm का गैप छोड़ना है, 15 mm का, ठीक है। देखो तीनों से 15 mm, टॉप से 15 mm, बॉटम से 15 mm, राइट से 15 mm, बट आपको लेफ्ट से कितने mm का गैप छोड़ना है यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो लेफ्ट से गैप छोड़ा जाता है 30 mm का। क्लियर हुआ यहाँ तक? टॉप से कितना 15 mm, बॉटम से कितना 15 mm, राइट से कितना 15 mm, बट लेफ्ट से कितना छोड़ना है आपको, तो लेफ्ट से छोड़ना है आपको 30 mm का गैप, ठीक है। अब 30 mm का गैप क्यों छोड़ रहे हैं, बाकी जगह 15 का छोड़ रहे हैं, इस जगह 30 का क्यों छोड़ रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जब हम टी स्क्वायर इस पर रख के इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड, तो टी स्क्वायर का जो हेड होता है ना वो इस एरिया में आके रख जाता है, और जो स्टॉक होता है वो इस तरीके से इस पर अटैच्ड हो जाता है, और हमें जहाँ पर अपनी लाइन खींचनी है वो पूरी की पूरी लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम ये लाइन नहीं खींचेंगे तो इतना पेज हमारा
बराबरवा चला जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ज्यादा गैप छोड़ा जाता है क्योंकि टी स्क्वायर का जो हेड है वो इसी इसी के ऊपर रखा होता है, ठीक है ना। जो मैंने आपको ड्रॉइंग शीट में इवोनी एज बताई थी, इवोनी एज टी स्क्वायर के हेड को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, और जिससे हम टी स्क्वायर को इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका ड्रॉइंग शीट में होता है, ये 30 mm दूर लाइन बनाते हैं जिससे उसका हेड एडजस्ट हो जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो एक बार मेरे साथ बताइए कि टॉप कितना गैप छोड़ना है, 15 mm, बॉटम में कितना छोड़ना है 15 mm, राइट में कितना छोड़ना है 15 mm, और लेफ्ट में कितना छोड़ना है 30 mm का गैप आपको छोड़कर चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गैप छोड़ते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हम फ्रेंड्स अपनी ड्रॉइंग बनाते हैं, ठीक है ना। इस पोर्शन में हम क्या बनाते हैं, अपनी ड्रॉइंग बनाते हैं जो हमें ड्रॉइंग दी जाती है। उसके साथ साथ एक हम यहाँ पर कॉलम भी बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको कॉलम दिखाई पड़ रहा है रेक्टेंगल शेप का होता है, इस कॉलम को बनाते हैं, और इस कॉलम को बोला जाता है टाइटल ब्लॉक, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग शीट के लिए, क्योंकि अगर ड्राइंग शीट आप टाइटल ब्लॉक नहीं डालोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये ड्राइंग शीट आपने जो बनाई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, इसमें क्या बनाया है, ठीक है ना। तो टाइटल ब्लॉक बहुत जरूरी होता है एक ड्राइंग शीट के लिए, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी करके पूछा जाएगा कि अगर मान लो कोई हमारे पास ड्राइंग शीट है, हमने किसी ऑब्जेक्ट का उसमें चित्र बनाया, तो उसका नाम हम किस जगह डालेंगे। तो आपको याद रखना है उसकी जो चित्र की या जो भी आर्ट हम उस पर बना रहे हैं उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइटल ब्लॉक में डाली जाती है, ठीक है। जैसे आप नीचे फिगर देख रहे हो, ये मैंने टाइटल ब्लॉक का आपका वहाँ से उठा के ये फिगर बनाया है। टाइटल ब्लॉक इस तरीके से हम अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो कि टाइटल ब्लॉक में हम क्या क्या लिखते हैं, अपना नेम लिखेंगे। अब मान लो आप टाइटल ब्लॉक बना भी नहीं, तो जो नेम है क्या बीच में लिखोगे यहाँ पर? अगर बीच में लिख दोगे तो एग्जाम पूरा काट देगा इसे, ठीक है ना। तो जब भी आप नेम एम कुछ भी लिखोगे तो उसे टाइटल ब्लॉक में शो करोगे, ठीक है। बीच में अपने मन से कहीं पर भी ड्राइंग शीट पर जो नेम होता है वो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम अपनी क्लास, क्या आप कौन सी क्लास में, कौन से सेमेस्टर में हो, वो सब आप किस में लिखते हो, टाइटल ब्लॉक में। रोल नंबर भी कहाँ लिखते हो, टाइटल ब्लॉक में। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्केल, ठीक है ना, अपने स्कूल का नाम, ठीक है ना। टीचर अपने जो सिग्नेचर करेगा वो भी टाइटल ब्लॉक में करेगा। आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं वो भी टाइटल ब्लॉक में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना, वो सारी की सारी टाइटल ब्लॉक में होती है, और बाकी जगह सिर्फ हम ड्रॉइंग करने का काम इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो आपका पूछा जाता है घुमा के यही पूछा जाएगा कि ड्रॉइंग शीट में हम अपना नाम कहाँ लिखेंगे, या ड्रॉइंग शीट में जो स्केल हम लिखते हैं, स्केल अपने अनुसार जो नाप के लिखते हैं, वो स्केल किस जगह ड्रॉइंग शीट में लिखी जाती है। तो आपका आंसर होगा टाइटल ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आपसे टाइटल ब्लॉक की डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है जो टाइटल ब्लॉक्स की आपकी ब्रीथ होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है 65 mm, और जो इसकी लंबाई होती है फ्रेंड्स वो होती है 185 mm, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो टाइटल ब्लॉक होता है उसकी लेंथ कितनी होती है 185 mm, और ब्रीथ कितनी होती है 65 mm। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा ड्रॉइंग शीट। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको ये लेंथ और ब्रीथ बताई है, ठीक है ना, अगर आप इनका रेशियो निकालोगे फ्रेंड ड्राइंग शीट में लेंथ और ब्रीथ का अगर आप रेशियो निकालते हो फ्रेंड्स, तो अप्रोक्सीमेट 1:2 आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप कहोगे कैसे आ रहा है, तो जो आपका रूट टू है उसकी वैल्यू रखना, ठीक है ना, फिर उसे सॉल्व करना, तब आपका लंबा सारा कैलकुलेशन हो जाता है। तो कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देना है, हमें बस क्वेश्चन आए उसे सॉल्व करने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपकी जो ड्राइंग शीट होती है इसमें लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो होता है वो 1:2 का चलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी ड्राइंग शीट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आपकी ड्राइंग शीट है यूज़ क्या होता है, ड्राइंग बनाने में यूज़ होता है। ड्राइंग शीट होती है टाइप्स ऑफ ड्राइंग शीट, A0, A1, ठीक है ना, A2, जैसे हमने आपको वो बताए थे टी ब्लॉक बताए थे, T0, T1, T2, T3, ऐसे मैंने आपको जो ड्राइंग बोर्ड था वो भी बताया था, D0, D1, D2, D3, ऐसे ही इसका होता है आपका T0, T1। और मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि जो भी काउंटिंग इंजीनियर ड्राइंग में स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। यहाँ से आपसे देखो, हाँ एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे वो यहाँ से कि सबसे बड़ा जितने भी आपके ड्राइंग शीट होती है उनमें सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है। ऑप्शन रख देगा A0, A1, A3 और A4 साइज, ठीक है। इसमें 90% बच्चे A4 करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने A4 ही पढ़ा होता है, बाकी उन्हें पता ही नहीं होता है। जबकि आपको याद रखना है सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, A0 की, ठीक है ना, और सबसे छोटी किसी की नहीं होती। जितना आप नीचे करते जाओगे वो छोटा साइज बनता जाएगा, ठीक है। बट सबसे बड़ा जो साइज होता है ड्राइंग शीट का वो कितना होता है, A0, और कितना होता है 841x1189, ठीक है। तो ये होता है इनका साइज, किसका, ड्राइंग शीट का। उसके बाद मैंने ड्राइंग लेआउट समझाया कि टॉप से 15 mm, बॉटम से 15 mm,
राइट से 15 mm और लेफ्ट से 30 mm का गैप लेके चलना है। बीच में एक टाइटल ब्लॉक होगा जिसका डायमेंशन 185 और 65 mm होगा, ठीक है ना। और टाइटल ब्लॉक में हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो हमने आर्ट बनाई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी अपनी टाइटल ब्लॉक के अंदर शो करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करिए। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए पूरा डाटा कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारी ईमानदारी और हमारी मेहनत का जो फल है वो दो ही है, एक तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो हमारी जो मेहनत है वो पूरी की पूरी वसूल हो जाएगी, और दूसरा आप हमारे चैनल को शेयर कर दो दोस्तों में जिससे और लोग जुड़ जाएंगे ना। तो जब बहुत सारे स्टूडेंट जब इस चैनल से जुड़ जाएंगे और फिर सब इकट्ठे होकर मेहनत करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा ना, तो जो रिजल्ट होगा ना वही हमें इतनी खुशी देगा कि हमें लगेगा कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर लो, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाते चलना फ्रेंड। मैं बार बार आपसे यही चीज़ समझाता हूँ, आप ये मत देखिए कि मैं कितना एक्सपीरियंस लूँ या मुझे कितनी नॉलेज है, आप बस ये देखिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए इनकी कॉपी में, ठीक है ना। और नोट्स बनाने का फ़ायदा है, मैंने आपको बताया था कि आप जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो रिविज़न कर लोगे इनका जल्दी से, ठीक है। और जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही हम क्वेश्चंस की सीरीज इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक वीडियो में हम सारे के सारे करा देंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है, मैं बाद में दूंगा, पहले आप दोगे। तो आप कब दे पाओगे, जब आपके पास नोट्स होंगे, जब आपने उन्हें पढ़ा होगा, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ और पढ़ते चलिए और इनको तैयार करते चलिए, ठीक है। और पूरी जी जान से अपनी तैयारी में लगे रहिए, 101% आपका श्योर सिलेक्शन रहेगा और आपके साथ मैं खड़ा हूँ जब तक कि आपका पूरा का पूरा 100% सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।